ड्रैगन यानी चीन की नींद उड़ाने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने अग्नि-5 मिसाइल के MIRV टेक्नोलॉजी के साथ उसका एक सफल टेस्ट किया है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये टेस्ट मिशन दिव्यास्त्र के तहत ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। ऐसा दावा है कि अग्नि-5 मिसाइल के इस टेस्ट के जरिए भारत ने अपने न्यूक्लियर क्षमताओं में से एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। अग्नि-5 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही भारत MIRV क्षमता वाले चुनिंदा देशों के ग्रुप में भी शामिल हो गया है। DRDO के इस सफल मिशन में भारत की महिला वैज्ञानिकों का एक अहम योगदान है। उनमें से एक महिला वैज्ञानिक हैं डॉक्टर टेसी थॉमस, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस मिशन दिव्यास्त्र के जरिए जो टेस्ट हुआ है, भारत को उससे हासिल क्या हुआ है, आखिर अग्नि-5 मिसाइल क्या है, मिसाइल की अहमियत क्या है और MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब इस रिपोर्ट में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि-5 मिसाइल आखिर कितनी ताकतवर है। रिपोर्ट्स की माने तो अग्नि-5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। अग्नि-5 की रेंज में लगभग पूरा चीन, एशिया और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्से भी आते हैं। इससे पहले की मिसाइलें अग्नि-1 से लेकर अग्नि-4 की रेंज 700 से 4000 किलोमीटर की थी। अग्नि-5 मिसाइल में ऐसे सेंसर्स लगे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिससे वो अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच जाते हैं। अग्नि मिसाइलें भारत के पास दरअसल 1990 से हैं। वक्त के साथ इसके कई नए वेरिएंट सामने आए हैं जो कि ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। अग्नि-5 मिसाइल भारत की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, जो अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। इसमें थर्मोबैरिक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। थर्मोबैरिक बम को आसान भाषा में वैक्यूम बम भी कहते हैं, जो दुश्मन की सांसें रोक देता है। इसके साथ ही ये मिसाइल अपने साथ लगभग 2490 kg तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। पेलोड का मतलब वो वजन जो ये मिसाइल अपने साथ ले जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि-5 मिसाइल में जो MIRV टेक्नोलॉजी है वो विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही कुछ सालों से है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने डेवलप किया था, उसके पास 50 साल से ये टेक्नोलॉजी है। हालांकि अब भारत के में DRDO के वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। क्या है MIRV टेक्नोलॉजी, ये भी समझते हैं। MIRV टेक्नोलॉजी के तहत किसी मिसाइल में एक ही बार में कई कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है। ये इन हथियारों को अलग अलग तरीके से लक्ष्य को भेज सकते हैं, यानी कि एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, उनको एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा सकता है। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पहले की जो अग्नि मिसाइलें थी उनमें ये सुविधा नहीं थी। हालांकि मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। अभी तक MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें रूस, चीन, फ्रांस और UK के पास ही हैं। इन मिसाइलों को जमीन या समंदर की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इस क्लब में अब भारत भी शामिल है। ये काम करती है MIRV टेक्नोलॉजी, ये भी समझते हैं। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी की जो मिसाइलें होती हैं वो 3 चरणों पर काम करती हैं। पहले चरण में मिसाइल को सामान्य तौर पर प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया जाता है। दूसरे चरण में मिसाइल को जो वायुमंडल में जब पहुंच जाती है तो ये 2 हिस्सों में बट जाती है। जो पहला हिस्सा जो आगे का ऊपर का हिस्सा होता है वो आगे बढ़ता है। तीसरे चरण में जो मिसाइल के टॉप पर वॉरहेड लगे होते हैं वो अलग अलग टारगेट पे तय उनके होते हैं, उस पर वो हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अग्नि-5 मिसाइल क्यों खास है ये भी समझ लेते हैं। अग्नि-5 मिसाइल की जो रेंज है और इसकी रफ्तार वो बेहद खास है। ये चीन और पाकिस्तान को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3791 किलोमीटर है। ये जो दूरी है इसे इस मिसाइल को तय करने में महज 12 मिनट 63 सेकंड लगेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में इस मिसाइल को महज 1.5 मिनट लगेंगे। इतने कम समय में ये दिल्ली से इस्लामाबाद की 689 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। मारक क्षमता को देखें तो पाकिस्तान के आगे
अफगानिस्तान, ईरान तक इसकी जद में है। भारत पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमाओं के भीतर और उसके बाहर दुश्मन देशों की बैलिस्टिक मिसाइल को भेजने की क्षमताएं विकसित कर रहा है। अब ऐसे दमखन के वाले परीक्षण पर चीन से लेकर पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे होनी तय है, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में कोई भी देश उसके सामने चुनौती बनकर उभरे, और भारत उसके सामने इस समय चुनौती बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अग्नि-5 मिसाइल की जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है उसके पीछे एक महिला वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। वो ही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। उनकी ही अगुवाई में पहली बार साल 2012 में अग्नि-5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया था। इसके बाद कई बार अग्नि-5 मिसाइल के जो टेस्ट हुए हैं, हाल में बता दें कि DRDO ने अग्नि-5 मिसाइल की जो फ्लाइट टेस्टिंग की थी जो बिल्कुल सफल रही है, उसके बाद से अब डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। उनके मिसाइल वुमेन बनने की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में इसरो में बतौर इंटर्न की थी। उस वक्त उन्होंने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के डिज़ाइन पर काम किया था। आज से ही वो बेहद इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करने वाली थी। और इसके बाद डॉक्टर टेसी 1988 में DRDO के साथ जुड़ गई। उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम करना शुरू किया। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रोजेक्ट के लिए उनको नियुक्त किया, जिसके बाद से वो भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि अग्नि मिसाइलें भारत ने 5 तरह की हैं। पहली मिसाइल अग्नि-1 है जो कि लक्ष्य को भेजने के लिए 700 से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि-2 मिसाइल की जो क्षमता है वो 2 से 3 हज़ार किलोमीटर की है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-3 मिसाइल की क्षमता 3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा तक मार करने की है। वहीं अग्नि-4 मिसाइल जो DRDO ने डेवलप की है उसकी क्षमता 4 हज़ार किलोमीटर के आसपास है, जबकि अग्नि-5 मिसाइल की जो क्षमता है वो 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच है। जहां एक और भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है, तो वहीं चीन की भी टेंशन बढ़ी है। सबके बाद चीन ने इन मिसाइलों की निगरानी को लेकर के जासूसी के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना जासूसी जहाज शियांगयांग Home-1 को तैनात किया हुआ है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास फिलहाल टिका हुआ है। चीन का दूसरा जहाज जो जासूसी जहाज है शियांगयांग Home-3, ये पहले से ही हिंद महासागर में मालदीव के माले के पास खड़ा है। ये दोनों ही जासूसी जहाज अपनी जगह से कम 750 किलोमीटर तक की रेंज में निगरानी करने में सक्षम है। हालांकि चीन के ये जासूसी जहाज भारत से 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर के सर्किल से बाहर हैं। इसके अंदर आने के लिए उन्हें भारत के से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत छाबड़ा ने। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथी मंच को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।